दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। इसी बीच कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। खबर है कि पार्टी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में टायरों में आग लगा दी। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय से कुछ दूरी पर ही टायरों में आग लगा दी थी। घटना की खबर लगते ही दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। खास बात यह है कि जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दौरान 3 दिनों से हंगामा जारी है। आगजनी के अलावा कांग्रेस नेता लगातार बैरिकेड्स को धक्का मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इससे पहले खबरें आई थी कि अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अजय माकन समेत कई बड़े नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले सुबह भी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया था। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पुलिस के अधिकारियों का जिक्र करते हुए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि ये सब याद रखा जाएगा। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। खबर सबकी, सीधी आप।